गर्मी लग रहा है ना अंदर, ये क्या ही बताऊँ, थोड़ा सा तीखा भी है। अब बहुत ही अच्छा बना है, पता है। दोस्तों अभी इसमें डाल देता हूँ एवरेस्ट का तीखा लाल, ठीक है। फिलहाल दोस्तों चिकन पक चुका है और कुछ चिकन निकाले हैं ट्राई करने के, ठीक है। अब ट्राई करके बताते हैं। ताजमहल बनाया था उसका सारे वर्कर लोग थे, उसका हाथ काट दिया था। हाथ काट दिया गया था। ये मिस्त्री कभी हाथ काटने ना बोला है, ऐसा दोबारा ना बनता। तो अभी आते हैं चिकन लेने के लिए, भाई लोग ले रहा है चिकन। अरे उसी को ले ले, उसी को। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग चिकन खरीद लिए हैं। आज मैं चिकन बना के दिखाऊंगा कि मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है। देसी स्टाइल में चिकन मेरे दोस्त लोग हैं साथ में, हम लोग चिकन बनाएंगे और खाएंगे, ठीक है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा, देखिएगा कैसे बनाता हूँ, ठीक है। हमारे फ्रेंड लोग भी आए हैं घर में, तो कहीं और बनाऊँगा। चल भाई प्रेम, चल। फिलहाल दोस्तों आ गए हैं खेत के अंदर, ठीक है। यहीं पे छोटा सा रूम है, वहीं पे चिकन बनाएंगे, ठीक है। भाई लोग जा रहा है आगे आगे, और देख सकते हैं मकई वगैरह हो चुका है और रास्ता वगैरह कुछ किया नहीं है। यही है अपना हवेली, नहीं गिरेगा, अच्छे से रख। चाबी लाया है कि नहीं? फिलहाल दोस्तों चिकन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना सारा चिकन है, धो के अच्छे से साफ कर लिए हैं, ठीक है। और तेल गरम कर रहे हैं, अभी कढ़ाई पे तेल डाल दिए हैं। और ये रहा मसाला, जैसे कि आपका टमाटर हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, और एक खड़ा लहसुन भी है, और लाल मिर्चा, ठीक है। तो सबसे पहले तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे जीरा। तेल गरम हो गया? हाँ हो गया, हाँ इसको बाद में डाल देंगे। और ये रहा खड़ा जो मसाला जो है, मतलब पेस्ट वाला जो जितना है, ये पाउडर वाला सब यहीं पर है, बाद में डालेंगे। पहले इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे, ठीक है। तो उसको अच्छे तरीके से तेल गरम हो गया है और जीरा भी फ्राई हो चुका है। डालते हैं इसमें मिर्चा, नहीं नहीं जलने नहीं देंगे। मिर्चा को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद डालेंगे प्याज। अभी डालते हैं प्याज, क्योंकि मिर्चा जो है वो लाल हो चुका है, ठीक है। काला होने से पहले प्याज नहीं, पहले लहसुन डालते हैं। उसको अभी लहसुन डाल देते हैं, लहसुन छिल के रखे थे, ठीक है। अभी दोस्तों डालेंगे प्याज। इसको पहले अच्छे तरीके से भूंज लेता हूँ, जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक प्याज को अच्छे तरीके से तलना है, मतलब कि फ्राई करना है। और लहसुन देख ही सकते हैं, लहसुन मस्त एकदम पूरा कलरफुल हो चुका है। तो एक स्प्राइट लेके आना दोस्तों। ये छोटा सा रूम है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो भाई बोला कि चलो यहीं पे आज बनाते हैं। तो यहीं आ गए हैं, मतलब चार लोग हैं और एक भाई साहब यहीं पे इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आयुष है इनका नाम। और ये छोटा सा रूम है, देख सकते हैं, अभी तक प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं हुआ है, ना नीचे हुआ है ना साइड में हुआ है। तो यहीं पे आ गए हैं, थोड़ा बहुत था रसोई का सामान, तो यहीं पे आज कर रहे हैं। दोस्तों थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ, ताकि प्याज अच्छे से जल्दी से गल जाए, ठीक है। और उसके बाद टमाटर डालने वाला हूँ, और जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो जाता तब तक तो भूनना पड़ेगा। देख सकते हैं अब तक ब्राउन नहीं हुआ है, और काफ़ी टाइम लगेगा भूनने में। ये हल्दी इसमें नहीं डालूंगा, क्योंकि प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करना है, ठीक है। अगर हल्दी डाल दिया ना, तो ये ब्राउन कलर ऑटोमेटिक पीला हो जाएगा, तो दिखाई नहीं देगा, और प्याज भी अच्छे तरीके से पकेगा नहीं। तो सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से ब्राउन जब तक ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करते रहना है। दोस्तों फिलहाल अभी प्याज जो है पूरी तरीके से पक चुका है और पूरा ब्राउन हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसमें डालते हैं टमाटर। दोस्तों कलर करने के लिए थोड़ा सा हल्दी डाल देता हूँ, ठीक है। देख ही सकते हैं हल्दी डालने के बाद कितना कलरफुल हो चुका है। अब इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं, कम से कम 15 मिनट। तो पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं इसमें, ठीक है। ये प्याज और टमाटर और मसाला जो है वो अच्छे तरीके से तल चुका है, मतलब फ्राई हो चुका है।
अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं, इसको भूंजेंगे और अभी बाकी मसाला जो है उसको भी डालेंगे, ठीक है। सबको मिला के एक बार में अच्छे से भूंजेंगे, फ्राई करेंगे। और ये वाला डालो दोस्तों, ये वाला जो चिकन ग्रेवी मसाला जो है ना, मेरे को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, ग्रेवी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर देता है ये वाला मसाला। मैं जब भी चिकन बनाता हूँ तो ये वाला मसाला यूज बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो अभी हल्का हल्का लग जा रहा है कढ़ाई में, तो थोड़ा सा पानी डाल दूंगा, ठीक है, ताकि कढ़ाई में ना चिपके। और इसको अच्छे तरीके से कम 5 और 10 मिनट तक इसको भून लूँगा। दोस्तों मसाला को तब तक तलना चाहिए जब तक उसमें से तेल बाहर आने ना लग जाए। आप देख ही सकते हैं मसाला मैं बहुत देर तक तल रहा हूँ, ठीक है, फ्राई कर रहा हूँ, और चारों तरफ से देख ही सकते हैं जो तेल जो है वो निकल चुका है। मतलब इसका मतलब है कि आपका मसाला जो है पूरी तरीके से पक चुका है, ठीक है। अभी इसमें डालेंगे चिकन जो पहले से ही धो के रख दिए थे, ठीक है। आप देख ही सकते हैं साइड साइड से लग रहा है ना, तो मतलब इसका मतलब है कि आपका पूरा मसाला पूरी तरीके से पक चुका है। अब इसमें हल्का हल्का मतलब कि थोड़ा थोड़ा चिकन डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे चिकन, उसके बाद इसको पहले फ्राई करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर डालेंगे, क्योंकि आज कढ़ाई जो है ना वो छोटा हो गया है और चिकन जो है वो ज़्यादा है। लगभग 2 किलो चिकन है और कढ़ाई देख ही सकते हैं बहुत ही छोटा है। अभी लगभग आधा किलो चिकन ही डाला है ही है, लगभग आपका कढ़ाई जो है वो भर चुका है। अभी पूरा चिकन को डालूंगा, उसके बाद अच्छे से फ्राई डाल दिया हूँ कढ़ाई पे। अब इसको अच्छे से मसाले के साथ अच्छे से इसको मिलाना है, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे तरीके से चिकन को मिला दिया हूँ मसाले के साथ, तो थोड़ा सा कम से कम 2-3 मिनट के लिए ढक देता हूँ, ठीक है, तो अंदर का जो पानी है वो अच्छे से पकने लगेगा। तो फर्स्ट टाइम मैं चिकन करी बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा बन रहा है, और आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे ब्लॉग में बने रहेगा कि आज मैं कैसा चिकन बनाता हूँ, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। और चलता हूँ अंदर, देखता हूँ आगे का हाल क्या है। भाई मस्त बैठे हुए हैं मोबाइल में, और ये रहा चिकन, इसको थोड़ा सा निकाल के देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि लगभग 2 मिनट हो चुका था। और इसको फिर से अच्छे तरीके से मिला देता हूँ, तो काफ़ी देर तक ढक के रखा था, अब इसको निकाल के देखता हूँ अंदर से पानी निकला है या नहीं। गिर जा रहा है, और देख सकते हैं चिकन जो है ना ज़्यादा हो गया है, कढ़ाई छोटा हो गया है, और देख सकते हैं पानी निकल गया, ठीक है, मतलब कि अच्छे से पानी छोड़ चुका है। इसको अच्छे से मिला देता हूँ फिर से, अब थोड़ा ऐसे ही बिना ढके पकाऊँगा थोड़ा, ठीक है, तो अच्छे तरीके से पक जाए। अभी इसमें डाल देता हूँ एवरेस्ट का तीखा लाल, ठीक है, पूरा ही डाल देता हूँ। दोस्तों इसमें अभी थोड़ा सा एवरेस्ट डाल देता हूँ, ठीक है, इससे चिकन अच्छे तरीके से पक जाएगा। डालो हल्का सा डालो जी सर, पानी भी डाल देता हूँ थोड़ा सा, और डाल देना थोड़ा पानी जी, जी। हमारे पिंटू भाई साहब पानी डाल रहे हैं चिकन में, मिस्त्री आप हैं। और इसको अभी अच्छे तरीके से मिला देता हूँ, ठीक है, पानी और चिकन मसाला को। अच्छा नहीं लगेगा ना? क्या बोल रहे हैं? मजा नहीं आएगा ना, तब बताऊंगा। पानी डाल, बताना एक बार देखते हैं, बना के देखते हैं कैसा लगेगा। दोस्तों लगभग 70% पक चुका है, ठीक है, और अभी इसमें डालूंगा चटपटा कांदा लहसुन मसाला, ठीक है। इसको डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दूंगा, उसके बाद थोड़े देर के लिए इसको और पकाऊंगा, ठीक है। तो कढ़ाई जो हो गया है बहुत ही ज़्यादा छोटा, ठीक है, उसको ना थोड़ा मिलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। हालांकि अभी तो चिकन लगभग 70% पक चुका है, तो थोड़ा सा कम लग रहा है, मतलब पहला जो कच्चा था उसमें काफ़ी सारा भरा हुआ था। इसमें हल्का सा पानी डाल देता हूँ, पानी डाल डाल के इसको पकाऊंगा अच्छे तरीके से, ताकि अंदर का जो पानी जो है ना वो निकल जाएगा, तो अच्छे से पक जाएगा, ठीक है। पिछले 1 घंटे से लगभग पका ही।
दोस्तों लगभग चिकन पक चुका है और इसको निकाला हूँ टेस्ट करने के लिए, ठीक है। हल्का सा पानी दूंगा उस पर, इसको और अच्छे तरीके से पकाऊंगा, फिर बन जाएगा, ठीक है। लगभग 5 मिनट में पूरा पक के तैयार हो जाएगा। भाई लोग को ट्राई करवाऊंगा दोस्तों, अभी इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। फिलहाल दोस्तों चिकन पक चुका है और कुछ चिकन निकाले हैं ट्राई करने के लिए, ठीक है। अब ट्राई करके बताते हैं कैसे बने। तो भाई ये सबसे पहले ट्राई कौन करेगा? पिंटू। पिंटू ट्राई करके, इतना छोटा सा। प्रेम भाई बताना कैसे बना है? देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा तीखा है क्योंकि तीखा दाल पूरा डाल दिया था। बहुत ही जबरदस्त बना है, थोड़ा सा तीखा ऐसा लग रहा है। मैं सुना हूँ कि जो ताजमहल बनाया था उसका सारे वर्कर लोग थे, उसका हाथ काट दिया था। हाथ काट दिया गया था। ये मिस्त्री कभी हाथ काटने लायक बोला है ऐसा दोबारा ना बनता। अच्छा तो दोस्तों मैं भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा बना है, ठीक है। मत भूल इसमें कुल सी मोर और लहसुन ला, कुल लहसुन छुए मत भाई, भूल से भी अब लास्ट की मोर सहारा है। दोस्तों चिकन में लहसुन डाल के खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, ठीक है। आप लोग अगर बनाएंगे ना कभी चिकन तो लहसुन डाल के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस भाई साहब को सबसे ज़्यादा पसंद है और मेरे को भी ज़्यादा पसंद है। जितना लेग पीस है सबको निकाल लेते हैं। निकाल। यहाँ पर है ही कौन जो छुएगा लेग पीस, मेरा फेवरेट, इस भाई का भी फेवरेट है। और एक कितना लेग पीस दिया? चार था चिकन लेग पीस। दोस्तों इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना अंदर, क्या ही बताऊँ, थोड़ा सा तीखा भी है। अब बहुत ही अच्छा बना है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्यारा से कमेंट करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ही दीजिएगा, कि आज का चिकन रेसिपी आप लोग को कैसा लगा, ठीक है।